हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल देसी कपल। और फिर से हम निकल चुके हैं अपनी एक छोटी सी ट्रिप पे। और हम सुबह 4:30 बजे निकले थे और अभी बज रहे हैं सुबह के 6, और हम हैं मंसूरपुर एक जगह, और वहाँ पे हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है। और हम आपको बता दें, हम जा रहे हैं ऋषिकेश, और 6:30 बजे के करीब हम थोड़ा और आगे चल के फिर देखते हैं कुछ खाने पीने को मिलता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे आउटलेट्स तो हैं पर खाने के लिए अभी यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो बस आगे चलेंगे, बाकी मैं आपको एक बार व्यू दिखा दूँगी कि कैसा है यहाँ का। तो फ्रेंड्स, ये जगह है नमस्ते मिडवे। अभी यहाँ पे सारे जो आउटलेट्स हैं वो बंद हो रखे हैं, तो अभी हमने अंदर जाके पता किया तो कुछ खाने को था नहीं। तो बाकी आगे देखते हैं, अगर कोई ढाबा मिलता है तो कुछ छोटा मोटा कुछ भी ले लेंगे खाने को, ब्रेकफास्ट टाइप। जैसे कि हमने बताया था कि हम जा रहे हैं ऋषिकेश, और प्लानिंग तो बहुत कुछ है, मतलब बहुत सी ऐसी जगह हमें कवर करनी है जो मोस्टली ऋषिकेश के व्लॉग्स में लोग नहीं ज़्यादा दिखाते हैं। मीन्स ज़्यादातर धार्मिक स्थल जो होते हैं उनको ज़्यादा कवर करते हैं, बट हमने और भी चीज़ें ऐसे एक्सप्लोर करी कि हम उनको भी दिखाएँ। तो होपफुली अगर वो चीज़ें कवर होती हैं तो हम आपको अपने आगे के व्लॉग्स में दिखाएँगे। और बाकी वरुण को आप देख सकते हो कि पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ड्राइविंग पे। तो मैंने बताया था हम 4:30 निकले थे गाज़ियाबाद से, तो उसके बाद कौन सा वो हाईवे पड़ा था, उसके बाद वो हम लोगों ने NS24 वाला हाईवे लिया है। ये अभी नया बना है जो आपका सीधे मेरठ कनेक्ट करता है, सराय काले खां से आपको सीधा वो मेरठ कनेक्ट करेगा, और मेरठ से फिर ये हरिद्वार वाली रोड है। बहुत ही अच्छा हाईवे बन गया है, और आप उस पर जगह जगह कैमरे भी लगे हुए हैं स्पीड लिमिट के लिए, तो आप भी कभी अगर आएँ तो प्लीज़ स्पीड लिमिट मेंटेन रखें उस पर। और बाकी देखते हैं आगे हमें कैसा ट्रैफिक मिलता है, नहीं मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग हम टाइम से पहुँचते कि नहीं। जो हमने एक लिमिट सेट करी कि अप्रॉक्स हमें इतने बजे तक पहुँच जाना है ऋषिकेश, और फिर देखते हैं आगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये मनसा देवी जी का मंदिर है, और इस टाइम पहाड़ों पे बादल, तो बारिश भी हो सकती है। पहुँच गए हैं हर की पौड़ी, इसका बहुत ही महत्व है हरिद्वार में। तो हम लोग हरिद्वार से निकल के अभी हरिद्वार रोड पे ही हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं, और आप देख पा रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड पे शांति कुंज हरिद्वार। इधर आपको बहुत सारी धर्मशालाएं मिल जाएंगी लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी।
मेरे राइट हैंड साइड पे आप ये ऑरेंज कलर की जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये भी एक कोई धर्मशाला ही है जहाँ पे आपको इजीली रूम्स अवेलेबल हो जाते हैं। स्वतंत्रपुरी धाम आश्रम, ऐसे बहुत सारे आश्रम हैं यहाँ पे हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच। अगर आप हरिद्वार से ऋषिकेश जाएंगे तो उस पर आपको इतने सारे आश्रम धर्मशालाएँ ईजिली अवेलेबल है अफोर्डेबल प्राइसेस पे। तो हम लोगों ने अभी हर की पौड़ी क्रॉस किया है और जैसा मैंने आपको दिखाया था, हर की पौड़ी क्रॉस करने के बाद कुछ आश्रम पड़ते हैं, धर्मशाला जिनको हम कह भी सकते हैं कि धर्मशाला पड़ती हैं। उसके बाद जैसे उनको हम क्रॉस करेंगे तो ये रायवाला एक जगह पड़ती है जो कि बहुत ही सुंदर है और ये दोनों तरफ मतलब जंगल टाइप का एरिया है, क्योंकि ये मोतीचूर रेंज है जो कि राजा जी नेशनल पार्क लगता है यहाँ पे। तो आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं ये सारे ग्रीनरी, और यहाँ पे रायवाला डिपो, लकड़ी का डिपो है ये, क्योंकि एक बार मैं आया था तो इसीलिए मुझे पता है, तो इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये देखो गाइस कितना बढ़िया, लेफ्ट और राइट में जो वॉल पे पेंटिंग हो रखी है कितनी बढ़िया लग रही है।